लगातार बढ़ रहे सब्जी के दामों का सीधा असर आम गृहिणी पर पड़ रहा है, ये बताने और समझाने के लिए उत्तर प्रदेश मुरादाबाद के कलेक्ट्रेट सभागार में कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं ने सब्जी की माला गले में पहनकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही एक ज्ञापन भी मुरादाबाद के जिला अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भेजा है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि मौजूदा दौर में जो कोरोना काल चल रहा है उसमें कारोबार की स्थिति अच्छी नहीं है और लगातार बढ़ रहे दामों से कहीं ना कहीं उन पर काफ़ी असर पड़ रहा है। फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम कम होते हैं या इसी तरह से कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी रहता है। महिला कांग्रेस की तरफ से ये प्रदर्शन हो रहा है जिले और महानगर की तरफ से। ये सब्जियों की तरफ से ये दिया जा रहा है कि सब्जियों के दाम ये बहुत महंगे कर दिए हैं सरकार ने, और महिलाओं को कोविड-19 की वजह से जो घर के अंदर जो इतनी परेशानियाँ जो चल रही हैं कि कारोबार नहीं है और सारे जितने भी घर के लोग हैं वो बैठे हुए हैं, तो वो लोग सब्जियां कैसे खरीदेंगे जब इतनी महंगी सब्जियां होंगी। इस टाइम पर 200 रुपये किलो जो है वो मटर है, 400 रुपये किलो मटर है, ब्लैक में बिक रही है। तो ये क्या कर रखा है ये सरकार ने, इसको कम करना चाहिए कि महिलाएं अपने घर को जो है वो सही तरीके से अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें। एक तो जब कारोबार नहीं है, सारे कारोबार ठप कर रखे हैं, तो महिलाएँ किस तरीके से अपने घर को अपना पालन पोषण करेंगी। आज का हमारा जिला अधिकारी को ये दिया गया है ज्ञापन, और ये पूरा प्रदेश के अंदर महिला कांग्रेस की तरफ से ही प्रदर्शन ही चल रहा है। इरम कदीर कहते हैं मुझे, हमने ख़ासतौर से तो सब्जियों पे महंगाई का मामला है, लेकिन जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनका दूध का दाम कम हो जाता था सर्दी आते ही, लेकिन अब नहीं हुआ है। जो दलहन और तिलहन है वो भी महंगा कर दिया गया है। तेल जो 100 रुपये लीटर था वो 120 रुपये लीटर हो गया है सरसों का तेल। अब आप ये बताइए कि हमारे किचन का क्या हाल होगा। हम अगर सब्जी आलू और टमाटर भी नहीं खरीद पाएंगे तो हम क्या पकाएंगे, क्या कैसे हमारा किचन चलेगा। वो गड़बड़ा गया है हमारा बजट सब ज़्यादा। पैंडेमिक में जो परेशानियाँ उठाई हैं वो गृहणियों ने, हमने उठाई हैं। आज ये सरकार जो महिला विरोधी है इसकी वजह से जो हम परेशानियाँ उठा रहे हैं तो वो हम उठा रहे हैं, इसलिए हमने इसके खिलाफ जो है वो मोर्चा निकाला है और ज्ञापन दिया है। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार,